हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आप सभी को पता है महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं पता तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये बात पता लग जाएगी, तो बने रहिए एंड तक। एक बार प्रजापति दक्ष अपने जमाता चंद्रदेव से क्रोधित होकर उन्हें क्षय होने का श्राप देते हैं और उनके स्थान पर एक नए ग्रह व्योम को बनाने का निश्चय करते हैं। उस श्राप के कारण चंद्रदेव धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ते जाते हैं, किंतु माता सती चंद्रदेव के प्राणों की रक्षा करने हेतु महामृत्युंजय मंत्र लेकर आती हैं और चंद्रदेव के परिवार एवं ऋषि अन्य ऋषिगणों के साथ बैठकर उस मंत्र का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती हैं। जिस जाप को सुनकर महादेव प्रसन्न होते हैं और वहां प्रकट होते हैं। वहां प्रकट होकर महादेव चंद्रदेव को जीवन दान देते हैं। चंद्रदेव के जीवित होने पर वह जो नया ग्रह बनने जा रहा था वो वहीं पर नष्ट हो जाता है, जिससे क्रोधित होकर दक्ष कहते हैं कि व्योम तो नहीं बना किंतु चंद्रदेव का श्राप भी खत्म नहीं होगा। महादेव तो महादेव है, वह सब जानते हैं, इसीलिए महादेव चंद्रदेव से कहते हैं मैंने आपको जीवन दान तो दिया है किंतु दक्ष प्रजापति का श्राप अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, उसका कहीं ना कहीं आप पर प्रभाव अभी भी होगा। अपने भक्तों द्वारा प्रार्थना सुने जाने पर महादेव सबसे ये कहते हैं चंद्रदेव पर जो श्राप है वह खत्म नहीं होगा, किंतु प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए मैं चंद्रदेव को अपने शीश पर धारण करूँगा। उस दिन महादेव कहते हैं कि आज की तिथि बहुत ही शुभ है, जो भी मुझसे जो मांगेगा मैं उसे वो दूंगा। इन सब के बाद महादेव के भक्त उनसे एक ही चीज़ मांगते हैं, उनकी पूजा करना। वह महादेव की पूजा करते हैं, जिसके बाद चंद्रदेव को महादेव अपने शीश पर धारण करते हैं और इस अद्भुत घटना के साक्षी बनते हैं स्वयं नारायण और ब्रह्मदेव। वह बहुत ही प्रसन्न होकर महादेव से कहते हैं हम कैसे इस अद्भुत घटना के साक्षी ना बनते। और इसके बाद चंद्रदेव को महादेव कहते हैं कि श्राप के कारण आपको हर 15 दिन आपका आकार छोटा होता जाएगा, क्योंकि आपको क्षय होने का श्राप मिला था, किंतु मेरे अवधान के कारण फिर 15 दिवस तक प्रतिदिन आपका आकार बढ़ता चला जाएगा और पूर्णिमा को आप अपने वास्तविक आकार में आ जाएंगे और आपका ये चक्र हर माह सृष्टि के अंत तक चलता रहेगा। इस पर नारायण कहते हैं कि आज की तिथि बहुत ही शुभ है, इसीलिए आज की तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाएगा और जाना जाएगा, इसीलिए हम महाशिवरात्रि मनाते हैं। वैसे तो अन्य कारण हैं महाशिवरात्रि मनाने के, किंतु ये कथा उनमें से एक कथा मानी जाती है। तो बोलिए हर हर महादेव।